गाइज मैंने अमेजोन से दो बहुत ही ज्यादा कमाल के इंसेक्ट्स खरीदे हैं और वो इंसेक्ट्स इस डिब्बे के अंदर बंद है। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और बहुत सारे स्नेक्स के साथ फाइट भी मैं कराने वाला हूँ। एक मैंने नया वाला स्नेक भी खरीदा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है गाइज ग्रीन जंगल स्नेक, इतना ज्यादा ग्रीन है आप देख सकते हो भाई। और भी बहुत सारे स्नेक्स है मेरे पास, जैसे की एक नाजा ब्लैक किंग कोबरा है, ये ब्लू कलर का किंग कोबरा भी है मेरे पास, ये एक कन खजूरा है और ये एक रैटल स्नेक है ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में। तो चलो गाइस फटाफट से करते हैं इन सभी की अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखेंगे आज इंसेक्ट जीतते हैं या फिर स्नेक जीतते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस सबसे पहले मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ इंसेक्ट्स को, तो फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। अच्छा तो ये एक स्नेल है यार, बिल्कुल रियल स्नेल जैसा ही दिखाई दे रहा है। वैसे गाइस अगर आपको पता है तो स्नेल को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। इसको रखते हैं साइड में, इसको पूरी तरीके से हम लोग रिमोट से चला सकते हैं। ये एक दूसरा स्नेल है, पता नहीं कौन से कैटेगरी का स्नेल है, ये दिखने में तो एक सांप के बच्चे जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम लोग रिमोट से पूरी तरीके से चला सकते हैं। यहाँ पे मिनी पेट वगैरह बोल के दिया गया है बॉक्स के पीछे, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, बैटरी कहाँ पे लगाना, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई। अगर आप इन दोनों को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो खरीद भी सकते हो। ये निकाल लेता हूं यार, बहुत ही डेलिकेट सी चीज मेरे को लग रही है कि ये आ गया इसका रिमोट बाहर, इसके ऊपर मैजिक बग बोल के दिया गया। तो फटाफट से चलो ये वाले स्नेल को भी अनबॉक्स करते हैं और दोनों के बीच में देखते हैं यार कंपैरिजन करके दोनों में से कौन सबसे ज्यादा तगड़े नजर आ रहे हैं। ये आ गया स्नेल बाहर, क्वालिटी तो भाई काफी ज्यादा तगड़ी इसकी मेरे को लग रही है। तो इसका भी रिमोट निकाल लेते हैं, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम रिमोट दिया गया है ग्रीन कलर का। सामने की तरफ से देखो यार ये बिल्कुल स्नेल जैसा ही दिखाई दे रहा है। जहां तक इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, बिल्ड क्वालिटी मेरे को एकदम सॉलिड इसकी लग रही है। यहाँ पर LR44 की बैटरी हम लोगों को डालनी पड़ती है, यहाँ पर इसकी मोटर दी गई है और ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। ये दूसरा वाला स्नेल है किंग कोबरा टाइप स्नेल, इसके अंदर देखो यार यहाँ पर इसके आईज दिए गए, ये भी इसकी पूंछ है, काफी सही तरीके से फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल एक स्नेक जैसी। ओवरऑल दोनों ही काफी ज्यादा सही लग रहे हैं यार। तो भी दोनों के रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे दोनों के रिमोट कंट्रोलर, यहाँ पे देखो यार बहुत सारे बटन है इनको कंट्रोल करने के लिए, IR सेंसर इसके अंदर दिया गया। तो अब ये ग्रीन जंगल स्नेक को अनबॉक्स करते हैं। ये थोड़ा बहुत एक रैटल स्नेक जैसा भी मेरे को दिखाई दे रहा है, पर गाइस इसके अंदर कैमोफ्लैज डिजाइन बहुत ही अच्छा दिया गया यार, ये झाड़ियों में पूरी तरीके से मिल जाएगा। ये मेरे पास स्नेक्स है यार, उन सभी के अंदर बिल्कुल ऐसा ही रिमोट दिया जाता है, जस्ट पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे चेंज मेरे को लग रहा है। यहाँ पर इसके LR44 बैटरीज है रिमोट के अंदर डालने के लिए, इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी आ जाती है, इसकी बैटरी जो है हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, इसको डायरेक्ट यहीं से ही हम लोग चार्ज कर सकते हो। सामने इसकी टंग आप देख सकते हो, ऊपर की तरफ IR सेंसर है, यहाँ पे इसके आई से बहुत ही ज्यादा वियर्ड ये लग रहा है यार और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल। नीचे की तरफ यहाँ पे इसके एक्स्ट्रा व्हील्स भी दिए गए ताकि ये जिगजैग मोड में चल सके। अब ये हैमलेस के ब्लू किंग कोबरा को अनबॉक्स करते हैं। इस बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, ये निकाल लेते हैं किंग कोबरा को। ये किंग कोबरा भी बिल्कुल ब्लैक किंग कोबरा जैसा ही मेरे को लग रहा है। यहाँ पे इसके आईज है, यहाँ पे इसके टीथ, यहाँ पे इसकी टंग वगैरह आप देख सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, पर इसका कलर मेरे को ब्लैक किंग कोबरा से भी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसके ऊपर फिनिशिंग बहुत अच्छी की गई है। यहाँ पे इसका IR सेंसर है पर इसके पीछे इसके जैसा डिजाइन देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर इसकी स्किन आप देख सकते हो, बिल्कुल रियल स्नेक की जो स्किन होती है ना वैसे ही इसके ऊपर डिजाइन इन लोगों ने दे रखा है। यहाँ पर इसकी मोटर है, यहाँ पे इसके व्हील्स आप देख सकते हो, पीछे की टेल में भी इसके अंदर एक्स्ट्रा व्हील्स दिए गए, दूसरे स्नेक्स के अंदर ये चीज मेरे को देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल ब्लैक किंग कोबरा जैसा इसके अंदर रिमोट दिया गया है, यहाँ पे रिमोट के अंदर डालने के लिए LR44 बैटरीज भी दी गई है। ओके अब ये सबसे ज्यादा जहरीले रैटल स्नेक को अनबॉक्स करते हैं। आज देखते हैं गाइस रेस में सभी स्नेक्स में से कौन सा स्नेक जीतता है। यहां से मैं इसको निकाल लेता हूं। इसका जो कलर है ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में, नाइट के टाइम पे इससे हम लोग बहुत ही अच्छे प्रैंक्स कर सकते हैं क्योंकि नाइट के टाइम पे ये पूरी तरीके से छिप जाता है, आप इसको कहीं पे भी रख लो। यहाँ पर आप इसकी टंग देख सकते हो, जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो इसकी टंग अंदर बाहर भी होने लगती है, नीचे की तरफ बहुत सारे व्हील्स है। बिल्कुल अभी तक मैंने आपको तीन स्नेक्स बताए हैं, उसी की तरह यहाँ पे भी रिमोट दिया गया है। तो ये लो यार सभी को मैंने यहाँ पे रख दिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, ये स्नेक का ही ये बच्चा लग रहा है यार मेरे को, तो देखो ऑलमोस्ट सेम डिजाइन है यार और सेम कलर दिया गया है। तो ये मेरे पास एक रोबो चमेलियन भी है, यहाँ पे ये अपना कलर वगैरह भी चेंज कर सकता है। चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर, कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, लेट्स गो। ओके यार मैं आ चुका हूँ बाहर, सभी स्नेल्स और सभी रेप्टाइल्स को मैंने यहाँ पे रख दिया। ये किंग कोबरा तो बड़े ही डेंजरस लग रहे हैं यार। सबसे पहले स्नेल को मैं आपको चला के बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रफ सरफेस है फिर भी देखो यार ये स्नेल बिल्कुल एक रियल स्नेल जैसा ही चल रहा है और इसको चलाना भी बहुत ज्यादा ईजी है, लेफ्ट राइट बड़ी आराम से टर्न भी हो रहा है। अब रोबोटिक स्नेल को टेस्ट करके देखते हैं, पीछे से तो ये ऑलमोस्ट एक स्नेक के जैसा ही दिखाई दे रहा है, सामने से भाई एकदम अमेजिंग किंग कोबरा का बच्चा ही मेरे को लग रहा है, बिल्कुल किंग कोबरा के जैसा भी ये चल रहा है। ये ग्रीन जंगल स्नेक को टेस्ट करके देखते हैं,
इसको क्या हो गया यार, ये प्रॉपर तरीके से चल ही नहीं पा रहा, इसकी स्पीड भी बहुत कम हो चुकी है, एक व्हील जो है थोड़ा सा मेरे को टाइट लग रहा है, इस वजह से लग रहा है गाइस ये मेरे को डिफेक्टिव पीस रिसीव हो गया है, तो भी मेरे को ये रिप्लेस करवाना पड़ेगा यार। अब ये ब्लू किंग कोबरा को टेस्ट करके देखते हैं। बिल्कुल ये एक रियल स्नेक जैसा ही चलता है, जैसे कि रियल स्नेक जिगजैग मोड में चलता है ना यार, ये भी वैसे ही चलने लगता है। इसको अगर हम झाड़ियों में या फिर थोड़ा भी मिट्टी में चलाएंगे तो यार देखने वाले को लगेगा कि ये कोई रियल किंग कोबरा है भाई, इतनी गजब तरीके से चलता है। ये दोनों स्नेक्स के रिमोट ऑलमोस्ट सेम जैसे ही दिखाई दे रहे थे, पर ब्लैक किंग कोबरा का जो अंडा है ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क है, इसके अंदर ब्लैक पैटर्न्स थोड़े से ज्यादा दिए गए, बिल्कुल एक रियल किंग कोबरा जैसा ही दिखाई देता है, और इसका ब्लैक कलर तो बहुत ज्यादा कमाल का है। तो अब ये रैटल स्नेक को चलाते हैं। अगर हम लोग इसको मिट्टी में चलाएंगे तो ये प्रॉपर तरीके से नजर तक नहीं आता यार, क्योंकि इसके ऊपर कैमोफ्लैज डिजाइन दिया गया है। अब ये कनखजूरे को टेस्ट करके देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कनखजूरा अपनी पैरों की हेल्प से ही चल रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब ये चलता है तो इसके भी इसके साथ में ही मूव करने लगते हैं, तो ये कनखजूरा भी बहुत ज्यादा रियल जैसा ही दिखाई देता है। अब रोबोसोमेलियन को टेस्ट करके देखते हैं। इसकी जबान इतनी ज्यादा लंबी है कि यार इसके सामने जो भी चीज आती है पहले तो ये उसको टेस्ट करता है, उसके बाद जो चीज इसको अच्छी लगती है वो इसको फटाफट तरीके से खाने लगता है। इसका स्लो मोशन भी इतना ज्यादा फास्ट लगता है कि यार क्या ही बताऊं। इसकी खाई हुई चीजें हम लोग यहां से निकाल भी सकते हैं बहुत आसानी से, तो इसको चला के भी बता देता हूं, इसको चलाना बहुत ज्यादा इजी है। इसके अंदर भी आईआर सेंसर दिया गया है, इसीलिए इसको पॉइंट करके चलाना पड़ता है। तो सबसे पहले रेस कराते हैं इन दोनों के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। यहाँ पे मेरे को लगा था कि यार सांप का बच्चा आराम से जीत जाएगा, पर स्नेल इससे थोड़ा सा आगे निकल गया है और ये रफ सरफेस पे भी बहुत आराम से चल रहा है। यहाँ पर आरसी स्नेक जीत गया है रेस को। अब स्नेल की रेस कराते हैं किंग कोबरा के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। किंग कोबरा तो भाई चुटकी बजाते ही आगे निकल गया है, ये रेंगने लगता है, इस वजह से इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियरली यहाँ पे रेस में किंग कोबरा है विनर। अब रेस कराते हैं किंग कोबरा वर्सेस रैटल स्नेक के बीच में, देखते हैं जिन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। यहाँ पे किंग कोबरा थोड़ा सा आगे निकलता हुआ मेरे को लग रहा है, पर रैटल स्नेक भी कुछ कम ही नहीं गई, देखो ऑलमोस्ट इस तक पहुंच चुका था यार, पर किंग कोबरा ने अपनी स्पीड अचानक से बढ़ा ली है और ये आराम से जीत चुका है ये वाली रेस को भी। ये किंग कोबरा तो बड़ा ही फास्ट मेरे को लग रहा है। अब इसकी रेस कराते हैं कनखजूरे के साथ, यहाँ पे भी कनखजूरा बहुत ज्यादा पीछे पड़ चुका है। किंग कोबरा की स्पीड सच में यार बहुत ज्यादा अनमैचेबल है, यहाँ पे भी ये जीत चुका है। अब रेस कराते हैं ब्लैक किंग कोबरा वर्सेस ब्लू किंग कोबरा के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। मेरे को लगा था कि दोनों के बीच में काफी ज्यादा टफ फाइट होगी, पर ब्लू किंग कोबरा प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा यार, इसी बात का फायदा उठाकर ब्लैक किंग कोबरा जीत चुका है रेस को। अब देखते हैं क्या है, ब्लैक किंग कोबरा रोबोसोमेलियन को भी हरा पाएगा या फिर नहीं। दोनों के बीच में यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही थी, पर किंग कोबरा ने अपना रूट चेंज कर लिया है और ये बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से आगे निकल गया यार, और ये जीत चुका है यहाँ पर। अब आमने सामने वाली फाइट कराते हैं इन दोनों के बीच में, देखते हैं जिन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे कनखजूरे ने पूरी तरीके से किंग कोबरा को रोक रखा है और किंग कोबरा ने इसको थोड़ा सा डस लिया यार, फिर भी देखो कनखजूरा इसके सामने टिका हुआ और यहाँ पर कुछ अलग ही सीन चल रहा है। रोबोसोमेलियन ने ये किंग कोबरा के बच्चे को पकड़ लिया है पूरी तरीके से और इसको शायद अब ये खाने वाला है गाइस, देखो गोल गोल घुमाकर। ओ भाई ये तो इसको निगल गया पूरी तरीके से, ओ माय गॉड। अब यहाँ पे किंग कोबरा ने ये सारी चीजें देख ली है और किंग कोबरा इसके बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पे आ चुका है, पर रोबोसोमेलियन ने इसके भी ऊपर अटैक कर दिया है। यहाँ पे रोबोसोमेलियन ने यार पूरी तरीके से पटक के नीचे गिरा दिया है किंग कोबरा को। अब रोबोसोमेलियन के साथ फाइट करने के लिए कनखजूरा आ चुका है, इसके ऊपर ये अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा था पर ये अटैक से बच के देखो यार इसको ही काटने में लगा हुआ है, पर यहाँ पे रोबोसोमेलियन इससे भी ज्यादा पावरफुल है, इसको पकड़ लिया यार पूरी तरीके से और इसको भी ये खा गया है पूरी तरीके से। अब स्नेल की फाइट कराते हैं रोबोसोमेलियन के साथ, ये इसे बच के काटने की पूरी कोशिश कर रहा था पर रोबोसोमेलियन ने अपनी टंग के साथ को रौंद के रख दिया है। क्लियरली यहाँ पे भी रोबोसोमेलियन जीत चुका है। अब देखते हैं रोबोसोमेलियन ब्लैक किंग कोबरा के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। ब्लैक किंग कोबरा को इसने पकड़ रखा है पूरी तरीके से और ब्लैक किंग कोबरा इसकी जबान को जोर से काटे जा रहा था और भाई साहब इसका जहर इतना ज्यादा पावरफुल है कि देखो यहाँ पे रोबोसोमेलियन का काम तमाम हो चुका है। मेरे को लग रहा है गाइस इसका चिपसेट पूरी तरीके से खराब हो चुका है इसके काटने के कारण। क्लियरली यहाँ पर सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लैक किंग कोबरा है। आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है पवन कुमार, अफसर, सूर्या, मुनीब, अनिल, उत्कर्ष, विपुल, मानेश, लक्की, प्रकाश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।